अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमस वीलॉग। रमज़ान बहुत मुबारक हो आप सबको। आज मैं आपको छोलों की चाट बनाना बताऊंगी, बहुत चटपटी है वो। छोले ले लिए बॉईल, दो बड़े आलू ले लिए, उन्हें बॉईल करके काट लिया है। कॉर्नफ्लोर ले लिया है मैंने, कॉर्नफ्लोर डेढ़ चम्मच है, उसमें आप 4-5 चम्मच पानी मिलाकर मिक्सचर बना लें इसका। एक चम्मच चीनी ले ली है, छोटी प्याज ले ली है बारीक काट ली, टमाटर 3 ले लिए हैं बड़े साइज़ के, उसके अंदर का गूदा निकाल कर उसे बारीक काट लिया है। धनिया ले लिया है बारीक काट लिया, हरी मिर्चें भी इसमें हैं। ये मैंने चिली गार्लिक पेस्ट ले लिया है 2 चम्मच, टमाटो पेस्ट मैंने ले लिया 2 चम्मच, और ये है इमली का गूदा, इसको भी आप अपने हिसाब से डालें, वैसे मैं 4-5 चम्मच डालूंगी। ये है पापड़ी, पापड़ी आप घर में आसानी से बना सकते हैं, बाहर समोसों की पट्टियाँ मिलती हैं, आप उसे घर में ले आएँ और उसे फ्राई करके बना सकते हैं। ये है पानी, छोलों का बचा हुआ पानी है जो हमने 2 गिलास लेने हैं। नमक, मिर्च हसबे ज़रूरत, हल्दी छोटी चम्मच, चाट मसाला 2 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 छोटा चम्मच, और ये मसाला जो है मैंने खुद घर में बनाया है, जिसकी रेसिपी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने में, फ्लेवर भी एक अच्छा सा हो जाता है खाने का। पतीली को गर्म कर लें चूल्हे पर रख के, और उसमें आप 2 गिलास पानी छोलों का बचा हुआ डाल दें। जब पानी गर्म हो जाए तो आप उसमें बॉयल छोले डाल लें और इसे बॉयल आने दें हल्का हल्का। अब मैंने इसके अंदर सारे मसाले डाल दिए हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, सिर्फ वो मसाला छोड़ दिया है जो मैंने घर में बनाया था। मिक्स कर लें, चूल्हे की आंच तेज ही रखिएगा ताकि हम इस पानी को पकने के लिए छोड़ दें। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच चीनी, इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटर, केचप 2 चम्मच, चिली गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, इमली का गूदा है 4-5 चम्मच आप ये डाल दें, अगर आप खट्टा पसंद करते हैं तो इसमें और भी डाल सकते हैं। इसको बॉईल आने दें और पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये मैं कॉर्नफ्लोर मिक्स किया हुआ डाल रही हूँ ताकि पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाए, ग्रेवी सी आ जाए। मिक्स कर लें आप। मैंने आलू डाल दिए हैं, मैंने आलू शुरू में इसलिए नहीं डाले क्योंकि हमारे आलू बॉईल थे, तो इसे आखिर में ही डालेंगे वरना ये आलू और ज्यादा गल जाएंगे। आखिर में भी वो वाला मसाला डाल रही हूँ जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने घर में बनाया है। मैं इसकी रेसिपी आपको जरूर जल्द ही बताऊंगी। मैंने इसको निकाल लिया है, अब ऊपर से मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। प्याज डाल रही हूँ।
धनिया डाल दिया है, मिर्चें डाल दी हैं। वही मसाला मैं डाल रही हूँ जो मैंने घर में बनाया हुआ था। इमली का गूदा थोड़ा सा डाल दिया, या इमली की चटनी डाल दें, यह आप पर है। और इसे आप मिक्स कर लें जब आप खाने लगे। पापड़ी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।